आज के इस वीडियो में हम लोग इंटरमीडिएट के जो फोर्थ पोएम है, जिस पोएम का नाम अ थिंग ऑफ ब्यूटी है, इस पोएम की सेंट्रल आइडिया को बिल्कुल हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट। करते हैं कि द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी कंपोज्ड बाय जॉन केट्स। ये पोएम जो इसका नाम अ थिंग ऑफ ब्यूटी है, यानी कि सुंदरता की कोई चीज, जो कि जॉन केट्स के द्वारा कंपोज की गई है। और जॉन केट्स के बारे में बता दें तो ये ए फेमस इंग्लिश पोएट ऑफ रोमांटिक एज, रोमांटिक एज के एक फेमस माने प्रसिद्ध इंग्लिश पोएट है। दिस पोएम गिव्स अस अ मैसेज दैट, यह जो पोयम है यह हमको यह संदेश देती है कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉरएवर, कि एक जो सच्ची सुंदरता की चीज़ होती है ना, वो हमेशा आपको आनंद प्रदान करती है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉरएवर मीन्स एक सच्ची सुंदरता की चीज़ जो है वो हमेशा हमको आनंद प्रदान करती है। इट नेवर एंड्स इनटू नथिंगनेस, ये कभी भी शून्यता की ओर नहीं जाती, अर्थात इसका एंड होता ही नहीं है। और द पोएम इन करेजेज अस, यह पोएम हमको उत्साह देता है टू गो फॉरवर्ड, कि हम आगे बढ़े जीवन में, एंड वर्क हार्ड, और कठिन परिश्रम करें ताकि हम अपने गोल को अचीव कर सकें। बिकॉज आवर अर्थ इज फुल ऑफ इन्यूमरेबल ब्यूटीफुल थिंग्स, हमारी जो अर्थ मीन्स धरती है, इस फुल ऑफ मीन्स भरी हुई है, इन्यूमरेबल मतलब अनगिनत ब्यूटीफुल थिंग्स माने अनगिनत सुंदर सुंदर चीज़ों से, और दीज थिंग्स आर ब्यूटीफुल आवर स्पिरिट विथ ए लॉट ऑफ जॉय, ये जो सुंदरता वाली चीज़ें होती हैं ये हमारे स्पिरिट माने आत्मा को ए लॉट ऑफ जॉय मीन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में खुशियों से भर देती हैं, एंड रिमूव और हटा भी देती हैं द पाल मीन्स आवरण को ऑफ मिजरी मतलब दुख के, सैडनेस माने परेशानी कष्ट, एंड सफरिंग माने जो हमारे जीवन में जितनी कष्ट परेशानियां दुख दर्द इन सभी से आवरण को हटा देती हैं। अर्थात कोई भी ब्यूटीफुल थिंग्स अगर हम देखते हैं एक बार नेचुरल, तो माइंड हमारा थोड़ी देर के लिए उन सभी दुख दर्द को भूल जाता है और फिर से हम उस ब्यूटी ऑफ नेचर में खो जाते हैं। फर्दर मीन्स आगे द पोएट सेज दैट, कभी ये कहते हैं कि द माइटी डेट्स, माइटी डेट्स माने जो शक्तिशाली हमारे पूर्वज हैं मरे हुए, आर आल्सो अ थिंग ऑफ ब्यूटी, वो लोग भी हमको कुछ न कुछ संदेश देते हैं, वो लोग भी एक सुंदरता की चीज़ हैं। बिकॉज दे हैड डन देयर बेस्ट, क्योंकि वो लोग किए हैं अपना सबसे अच्छा, दस किसके लिए, फॉर द सोसाइटी मीन्स समाज के लिए, यानी समाज के लिए जितने भी हमारे पैट्रियोटिक लोग हैं वो लोग समाज के लिए कुछ अच्छा कर गए हैं, इसलिए वो भी हमको एक मोटिवेशन देते हैं और उन्हीं मोटिवेशन के वजह से हम लोग अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो वो भी एक सुंदरता की चीज़ है। और सो मानी, इसलिए ऑल द ब्यूटीफुल थिंग्स, सभी सभी सुंदर चीज़ें जो हैं, आर लाइक एन एंडलेस फाउंटेन, वो एक अनंत फवारे की तरह हैं, जो कि सेंट बाय गॉड, जो किसके द्वारा भेजी गई है भाई, तो भगवान के द्वारा। इस तरह से पोएम की सेंट्रल आइडिया समाप्त होती है। आपको जरा सा भी कोई कन्फ्यूजन है तो यू कैन आल्सो राइट इन इवन इन योर कमेंट्स, एंड सो थैंक यू सो मच।